विनेश फोगट कड़ी मेहनत करके रजत पदक पहुंची। इतनी मेहनत के बावजूद उन्हें ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया। जब कोई अपनी पूरी जान लगा देता है और फिर भी इस तरह की निराशा का सामना करना पड़ता है, तो व्यावहारिक रूप से इसे कैसे संभाला जाए? इन मौकों पर हमें याद करना चाहिए, अरे ठीक है, हम जीते हारे सब मरने वाले हैं, जो जीत गए वो भी मर जाएंगे, मिट जाएंगे, 10-20 साल में सब उनको भूल ही जाएंगे। तुम्हारा जीत किस पर है? तुम जीतना इसलिए चाहते हो सब लोग तुम्हारे लिए ताली बजाएं, तुम्हारा वाह वाह करें, प्रशंसा करें, लोकेशना जिसको कहते हैं, सब लोग तुम्हारी मान सम्मान करें, कुछ भी करें, तुम्हारी कुशलता पर सब लोग वाह वाह बोलें। छोड़ो ना उसको, ठीक है, खेल को खेल के जैसे लो, खेल में जीत और हार, मरना और जीने किस बराबर न समझना, ठीक है, खेल में हार भी ठीक है। इस दुनिया में आज भी बहुत तरह की पूर्वाग्रह है, बहुत सारी फेवरेटिज्म है, ये सच बात है। कब नहीं था? महाभारत के समय पे नहीं था क्या? क्या माता कैकेयी में नहीं थी क्या? बोले राम नहीं, जबकि राम उनके बड़े प्रिय थे, मेरा बेटा उसको कराओ, राज्य उसको मिले। तो ये दुनिया का रीत ऐसा है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, अनित्यम असुखम इमं प्राप्य भजस्व, इस दुनिया अनित्य है और इसमें सुख नहीं है, इतना जान के तुम मेरे पे समा जाओ, मुझ पे समा जाओ, ताकि मैं आनंद हूं, मैं आनंद रूप हूं। तो यहां पर बहुत आवश्यक है हमें अपने अंतर्मुखी होना, इसलिए कहते ना अंतर्मुखी सदा सुखी। अपना इस वक्त जब तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय हुआ और अन्याय को लड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है, अच्छा कोई वहां विधि विधान हो, जैसे कोई न्यायालय है, जहां न्यायालय में याचिका करो तुम, वहां न्याय मिल जाएगा, ये अलग बात है। अब ओलंपिक्स में तुम हार गए तो वहां कोई न्यायालय सवाल ही नहीं है, न्यायालय में जा नहीं सकते हो, ऐसे परीक्षा में भी, ये सारा सिस्टम ऐसा है। जिस जिसको प्रशस्ति मिलती है उसने पूछो क्या किया, ऐसे एक नहीं हजारों मिसाल मिलेंगे आपको। अब किसके पास जाए, कौन जाएगा कि दाखिल करें, न्याय कहाँ मांगोगे तुम? आजकल कोर्ट में न्याय मिलना भी बड़ा मुश्किल है, लोग कहते कोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही रहे, उन्होंने खुद उनसे बोला गुरुदेव सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलता नहीं, आपको लेना पड़ता है, न्याय वहां से हमको छीनना पड़ता है, इस तरह की हालत है। तो ओलंपिक की बात लेके तू क्यों दुखी होते हो इतना, जागो, ये सब सपना है, ये सपना करके जागोगे ना, तुम्हारे आनंद को तुम्हारी कुशलता को कोई नहीं धूमिल कर सकता, तुम अपने आप में ऐसे मजबूत हो जाओगे, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी हंसी कोई छीन नहीं सकता। यही जीवन ही खेल है भाई, जीवन के खेल में जीत जाओ, उसमें तुम्हें पुरस्कार देने वाला तो तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा ही देगा उसको, और परमात्मा से कभी अन्याय नहीं होगा, ये मत ध्यान रखना। परमात्मा भी मुझे अन्याय कर दिया ये सोचोगे तो फिर तो गए, तो हो नहीं सकता, पर तुम्हारी माँ तुमको कभी अन्याय नहीं कर ही नहीं सकती, ऐसे ही परमात्मा से तुम्हें अन्याय होगा नहीं,
तुम्हें लगता है तो तुम्हारा भूल है, तुम्हारा नासमझी की वजह से तुम्हें लगता है हमें सारे संसार परमात्मा से मुझे अन्याय हो। समाज में न्याय अन्याय ये सब होता रहता है, जहां लड़ सकते हो वहां लड़ो, जहां तुमको लगता है कि ये लड़ ही नहीं सकते, लड़ना बेकार है, उस वक्त तुम छोड़ के विश्राम करो। मैं ये नहीं कह रहा तो कोई आके तुम्हारे जमीन छीन लिया तुम ये नहीं बोलो कि अरे न्याय नहीं मिलेगा, मैं तो परमात्मा है मेरा, छीनने दो, होगा उनका किसी जन्म का, ये नहीं। तुम उसमें तो लड़ो, पर जब लड़ते हो मन को प्रसन्न शांत होके लड़ो, इसी को कहते हैं युद्ध करो मगर ज्वर के साथ नहीं, उद्वेग के साथ नहीं, प्रसन्नता से तीर मारना, प्रसन्नता से मारो। किसी को थप्पड़ मारना हो तो तुम्हारे भीतर से खुशी होना चाहिए, जोर से थप्पड़ मारना है कि तभी वो सीखेंगे। क्रोध में मारने वाला थप्पड़ और सबक सिखाने के लिए मारने वाला थप्पड़ में बहुत बड़ा फर्क है। एक करुणा का थप्पड़ है, दूसरा कमजोरी का थप्पड़ है, ये समझ लें।